डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी कर रहे हैं जी। हम लोगों का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, एमआरएस या फिर बीपीएससी, एनबीएस, केवीएस, आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम जिसके अंदर क्लास 11th और 12th एनसीईआरटी आ रही है, तो आप एक सही क्लास के अंदर हैं। तो चलिए किस्से और कहानियाँ यहाँ पर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप करिए ना यार सब्सक्राइब, ठीक है? तो चलिए फिर किस्सा और कहानी यहाँ से शुरू होता है जहाँ से लिखा हुआ आपके पास में, विच इज डेटा टाइप। ओके, सबसे पहले ना, जब भी मैं इस टॉपिक को अपनी क्लास में भी समझाती हूँ तो मैं एक ही सवाल जो करती हूँ वो ये है कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि वॉट इज डेटा, क्या है डेटा? तो डेटा क्या है भाई? जैसे ये मैं हूँ सुंदर सिंह, मेरे से रिलेटेड मेरा डेटा, एज जो मैं नहीं बताऊँगी, नाम आप सबको पता है, ठीक है? मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है ना, मान लीजिए एड्रेस, ठीक है, मान लीजिए फादर नेम है ना, मदर नेम, मार्क्स हो गए है ना, क्लास हो गई। तो मतलब मेरे से रिलेटेड मेरा कितना सारा डेटा है। अब देखो, हर डेटा का एक अलग टाइप नहीं होगा। जैसे एज है तो वो एक नंबर में आएगी, अगर नेम है तो वो एक स्ट्रिंग के अंदर आएगा, ये डेट की फॉर्म के अंदर आएगा है ना, ये भी क्या है, एक स्ट्रिंग में आएगा। ये क्या है, फादर नेम, ये भी स्ट्रिंग में आएगा। क्लास है, ये मेरी स्ट्रिंग के अंदर आएगी। मार्क्स है, ये मेरे फ्लोट के अंदर आ सकते हैं। तो मतलब अलग अलग डेटा का अलग अलग टाइप हो गया है ना। तो ये वैसे ही मुझे क्या करना होगा भाई, अपने एक अलग, अपना जो भी मैं अपना प्रोग्राम बनाऊंगी, उस प्रोग्राम के अंदर मुझे अलग अलग डेटा के टाइप के साथ में डील करना होगा, ठीक है? तो हर डेटा का एक अपना अलग स्टाइल, बोले तो टाइप है। कहता है कि एवरी वैल्यू बिलोंग्स टू ए स्पेसिफिक डेटा टाइप इन पाइथन। हर एक डेटा का एक अलग टाइप है। आप अगर नेम की बात करते हो तो वो एक स्ट्रिंग टाइप का है, आप अगर मार्क्स की बात करते हो तो वो एक फ्लोट है या इंटीजर है, नंबर है आप कह सकते हो। तो हर डेटा का एक अपना टाइप है, ठीक है? डेटा टाइप्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द डेटा, उस डेटा का टाइप डिफाइन करते हैं डेटा टाइप, ठीक है? ताकि आप उसके अंदर फर्दर कोई और ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं तो वो आप परफॉर्म करवा पाओ। तो डेटा टाइप आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ द डेटा वैल्यूज अ वेरिएबल कैन होल्ड, वेरिएबल के अंदर आप उस वैल्यू को होल्ड करा के रखते हो, एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दैट डेटा। आपने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, मान लो एज, इसमें आपने एज डाल दी। अब जो एज डाली इस, अब क्या है, आपने स्टोर कर दिया इसको इस वेरिएबल के अंदर, है ना? तो अब बेसिकली क्या चीज हो गई कि अब मुझे इसके साथ 50 के साथ जो भी काम करना है तो वो मैं इजीली कर सकती हूँ इस एज के थ्रू, राइट? ओके, तो आपके पास देखिए पाइथन की बात करेंगे तो यू हैव डेटा टाइप्स इन पाइथन। आपके पास नंबर है, ठीक है? नंबर के अंदर इंटीजर है, इंटीजर, बुलियन, फ्लोटिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो मैथ्स के अंदर हम लोग बेसिकली यूज कर रहे होते थे। स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, ये सारे सीक्वेंस है, यानी कि इनमें इंडेक्स का यूज होता है। सेट्स, सेट्स ये भी है लेकिन 11th 12th के सिलेबस में नहीं है। नन एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है। मैपिंग यानी कि डिक्शनरी है जिसमें कीज और वैल्यूज दो चीजें होती, ठीक है? आगे चलते हैं। तो अब अलग अलग इन डेटा टाइप्स को अच्छे तरीके से बड़े ही ढंग के साथ में पढ़ते हैं, ठीक है? अब ये कहते हैं कि सबसे पहले आपके पास में आता है नंबर। डेटा टाइप स्टोर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली, जिसमें सिर्फ नंबर नंबर हम बात करते हैं, जैसे एज की बात कर ली, जैसे मार्क्स की बात कर ली, है ना? तो ये क्या हो गया, नंबर है। तो ये नंबर्स की बात हो रही है, न्यूमेरिकल डेटा की बात हो रही है, तो यानी कि हम नंबर डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। ये भी फर्दर आपका किस तरीके का डेटा है, आपका पॉइंट वाला डेटा है, आप कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू या फिर कोई इंटीजर वैल्यू के साथ में काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके मार्क्स कितने, आपने कहा 3.5, तो ये नंबर तो है बट ये एक फ्लोट है। मैंने कहा आपकी एज कितनी, आपने कहा मेरी एज है 35, तो अब ये क्या है, इंटीजर, ठीक है? कॉम्प्लेक्स के साथ में भी हम ऐसे करके वैल्यूज के साथ काम करते हैं जिसमें एक रियल नंबर, इमेजिनरी, इस तरीके से वैल्यू होती थी। क्लास 10th के अंदर हमने शायद पढ़ा होगा, शायद नहीं, वहीं पर हमने पढ़ा, उसके बाद में अगर मैथ्स नहीं रहा होगा तो नहीं, वैसे ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं ना कहीं हमने इनके साथ डील किया हुआ है। तो आपके पास में देखो माइनस भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है इंटीजर, वैसे ही फ्लोट के साथ में, वैसे ही कॉम्प्लेक्स के साथ में भी है। अब ये कहता है कि बूलियन टाइप, बूलियन टाइप क्या है, बूल टाइप है, सब टाइप ऑफ एन इंटीजर। तो बूल टाइप के अंदर बेसिकली क्या है, दो चीजें आती हैं, एक आता है ट्रू, दूसरा आता है बालक क्या फॉल्स। ये दोनों कीवर्ड है पाइथन के अंदर, ट्रू का टी बड़ा होगा, फॉल्स का एफ बड़ा होगा, ठीक है? अब ये कहता है कि जो है बूलियन का ट्रू,
वैल्यू इज नॉन जीरो एंड नॉन नल एंड नॉन एम्प्टी. बूलियन ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो. ठीक है, नॉन जीरो मतलब कुछ ना कुछ होगा, नॉन नल या फिर नॉन एम्प्टी. ठीक है, आप अगर बूलियन को कह रहे हो कि जैसे अगर बूलियन ट्रू है, जैसे मैं अगर इफ कंडीशन लगा रही हूँगी तो मैं इफ में ट्रू लगाऊंगी, है ना. तो अगर मैं इफ के अंदर 5 लिख रही हूँ तो भी वो इसको ट्रू को ही कंसीडर करेगा ना, तो मतलब ये खाली नहीं है. ठीक है, तो ये खाली नहीं है, ये जीरो भी नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू विच विल बी कंसीडर एज ए ट्रू. तो फॉल्स मतलब एक तरीके से जीरो ही है. ठीक है, ओके. अब ये मुझे कहता है क्या कि लेट अस ट्राई एग्जीक्यूट. ओके, तो आप यहाँ पर एक टाइप नामक फंक्शन का यूज कर रहे होंगे जब आपको किसी वेरिएबल का टाइप है जो बेसिकली जानना है. तो ये चीजें क्या लिखी हुई हैं, चलिए इन सारी चीजों को आसान भाषा के अंदर हम लोग यहाँ पर करते हैं. ओके, सो अब जैसे कि मैंने ये एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम मैंने लिया एज 10. अब मुझे इसका टाइप देखना है. पाइथन इज ए डायनामिकली टाइप द लैंग्वेज. तो जब वेरिएबल आपका मेमोरी के अंदर रन होगा तब इसको इसका डेटा का टाइप मिल रहा होगा. तो अब अगर मैं इसका एज टाइप जानूंगी तो ये मुझे बताएगा कि इसका टाइप क्या है, इंटीजर है. वैसे ही अगर मैं इसके बाद में एज के बाद कुछ और वेरिएबल डालती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर डाला नेम, है ना. सो नेम के अंदर लेट सपोज मैंने डाला पूनम. अब मैं नेम जो है ना इसका टाइप जानना चाह रही हूँ. ठीक है, तो मैं जब इसका टाइप जान रही थी क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का. ठीक है, वैसे ही मैंने यहां पर क्या डाला, मैंने डाला मार्क्स इज इक्वल टू. ठीक है, तो मेरे पास में क्या आ गया, मार्क्स क्या आया, फ्लोट आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज कमिंग हाउ. अब अगर मैं यहां पर ऐसा कर रही हूं क्या, कुछ भी एग्जाम, और एग्जाम को मैं रख रही हूं ट्रू. ठीक है, और अगर मैं इसका टाइप जानूंगी तो ये बूल टाइप मुझे बताएगा, यानी कि बूलियन टाइप. ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 2. ठीक है, सो मैंने यहाँ पर अगर इसका डेटा टाइप जानने की कोशिश की तो विच इज कमिंग कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो इसमें एक इमेजिनरी पार्ट इस तरीके से होता है. ठीक है, तो ये आपके पास में अलग अलग टाइप है जो बेसिकली आ गए, राइट. तो एक आप नेगेटिव भी दे सकते थे इंटीजर के केस में, जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही हो. ठीक है, x इज इक्वल टू 5, ये इंटीजर है, x इज इक्वल टू -5, दोनों इंटीजर है. अगर मैं 5.5 ले रही तो फ्लोट है, 5.5 ले रही तो फ्लोट है. ठीक है, राइट, नेगेटिव पॉजिटिव से असर नहीं होगा. ठीक है, खैर हम आगे चलते हैं. वेरिएबल ऑफ सिंपल डेटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, बूलियन एसेट्रा होल्ड्स सिंगल वैल्यू, बट सच वेरिएबल्स आर नॉट यूजफुल टू होल्ड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक जो है नेम ऑफ द मंथ इन अ ईयर ये भी कराना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास. मतलब कहने का कि जैसे अब हमें एरे की जरूरत धीरे धीरे है जो महसूस हो रही है, यानी कि जैसे मुझे अगर x इज इक्वल टू 5 है तो ये 5 तो ठीक है स्टोर कर रहा है, लेकिन अगर मुझे और वैल्यूज भी स्टोर करनी है. ठीक है, जैसे मैंने एज नाम से डिक्लेयर किया था जिसमें लिख दिया मैंने 5, अब मुझे और भी एजेस एज है जो डालनी है, तो मैं क्या करूँगी. तब हमारे पास में अलग डेटा टाइप्स हैं जो आते हैं, जो कि हमारे पास है ट्यूपल हो गया, जैसे ट्यूपल हो गया, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, ये सारे के सारे इंट्रोड्यूस हैं. ठीक है, जैसे मुझे बुक डालनी है तो बुक की बहुत सारी बुक्स है जो मुझे इसके अंदर डालनी है, 15-20, तो मैं क्या करूँगी, 15-20 वेरिएबल डिक्लेयर थोड़ी करूँगी, तो मैं एक स्ट्रिंग या फिर सॉरी एक लिस्ट है जो बना दूंगी बुक नाम से, है ना. तो उस बुक के अंदर मैं क्या करूंगी, अलग अलग बुक्स के नाम है जो लिख दूंगी. तो ये क्या हो गया, एक पूरा सीक्वेंस मेरा एक सेट रेडी हो गया यहाँ पर. ओके, तो कहता है कि अ पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर. द थ्री टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन आर स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल. ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपके इंडेक्स बेस्ड हैं. जैसे कि मैं इस चीज की चीज को आपको अगर एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले अपने क्या करते, स्ट्रिंग के साथ करते. स्ट्रिंग को मैं कैसे डिक्लेयर करती हूँ, पहले तो इसको देखो. अगर मैंने लिखा एक्स इज इक्व टू कोमल तो ये मेरी एक स्ट्रिंग है. अगर मैंने लिखा एक्स इज इक्व टू डबल कोट्स कोमल तो ये भी मेरी एक स्ट्रिंग है. तो आप डबल कोट, सिंगल कोट, इवन ट्रिपल कोट्स का यूज भी है जो कर सकते हैं. ठीक है, अब जैसे इसके अंदर लिखा है कि इसके अंदर क्या है, इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर, तो इसमें क्या चीज होती है बालक समझे, इसमें इंडेक्सेस होते हैं 0, 1, 2, 3, 4.
ठीक है, अगर आपको इस वन के साथ ओ के साथ काम करना है तो आप ऐसे लिखेंगे एक्स का वन। ठीक है, आपने लिखा एक्स का चार, तो इट मीन्स किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है लास्ट वाले की, राइट। जैसे हम इसको अगर करके देखें, तो मैंने लिखा यहां पर मान लीजिए एज या फिर नेम करके देखा, और नेम में मैंने देखा पूनम। ठीक है, तो मैंने कहा नेम का जीरो, क्या आया आपके पास में, पी आ गया। ठीक है, मैंने यहां पर कहा तीन, तो 0 1 2 3, तो छोटा एन है ना जो थर्ड नंबर प्लेस के ऊपर। ठीक है, तो ये इसके अंदर इंडेक्सिंग होती है। अब यहां पर साथ ही साथ आपको ये भी चीज बता दे कि इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी है जो होती है। ठीक है, जैसे कि अगर यहीं पर आपने x इज इक्वल टू कोमल लिखा था, अब इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग आपकी माइनस वन से शुरू होगी, ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री, ये माइनस फोर, ये माइनस फाइव। ठीक है, अब नेगेटिव इंडेक्सिंग, जैसे कि अगर मैंने यहां पर लिखा माइनस थ्री, तो वन टू थ्री, यानी कि हम सेम n की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं माइनस वन लिखूंगी तो इट मीन्स मैं लास्ट वैल्यू m की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंडेक्सिंग इसके अंदर बेसिकली हो रही होती है। तो स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ये चीज पता है। दीज कैरेक्टर्स में भी अल्फाबेट हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, तो मतलब अगर आपने डबल कोट्स के अंदर कुछ भी डाला, इट कैन बी आपका कुछ भी हो सकता है ना। अगर मैं माइनस वन करूंगी तो अब हैश मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो जो भी डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर बंद है, दैट विल बी कंसीडर एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, ओके, स्ट्रिंग वैल्यूज आर इंक्लोज्ड ईदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। ठीक है, द कोट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, कोट्स को स्ट्रिंग का पार्ट कंसीडर नहीं करना है, बट कोट्स के अंदर जो वैल्यूज है, जैसे कि ये हेलो फ्रेंड है, ये आपकी स्ट्रिंग है, ना कि ये कोट्स। तो सिंगल कोट या डबल कोट दोनों हो सकता है, पाइथन इवन ट्रिपल कोट्स को भी अलाउ करती है। ठीक है, ओके, अब ये नहीं है कि आपका स्ट्रिंग खत्म हो गया, इसको हम पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर आएगा आपका स्ट्रिंग का। अब पढ़ते हैं जी, चलिए लिस्ट को, यहां सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है एनसीईआरटी के अंदर। तो लिस्ट क्या है, ये भी एक आपका सीक्वेंस बेस्ड ही डेटा टाइप है। अब इसमें क्या चीज होती है, सबसे पहले तो लिस्ट है ना, जो ऐसे बॉक्सेस से आप डिनोट कर रहे होते हैं। तो जैसे अगर मैंने लिखा यहां पर मान लीजिए एज नाम से एक लिस्ट है, उसमें मैंने कुछ वैल्यूज को डाल दिया। ठीक है, तो बस आपकी ये लिस्ट बन गई है। अब इस लिस्ट के अंदर क्या होगा, इंडेक्सेस होगा 0 1 2 एंड 3। अब आप पूछोगे कि क्या इसमें भी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, बिल्कुल होती है, माइनस वन, ठीक है, माइनस टू, माइनस थ्री एंड माइनस फोर। अब जैसे मैंने लिखा एज का तीन, तो इट मीन्स हम इस छह की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा एज और मैंने लिखा माइनस वन, तो भी मैं इस सिक्स की ही बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको बताऊं, तो मैं इसको एक बार कट करती हूँ। लेट सपोज कि आई एम राइटिंग हेयर, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग भी दे दिया, तो मतलब माइनस वन मतलब मैं लास्ट की बात कर रही हूँ। तो 0 1 2 3 4, अगर मैंने यहाँ चार भी दिया होता तो भी मैं इसी की ही बात कर रही होती। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो लिस्ट में हम इन ब्रैकेट्स का यूज कर रहे होते हैं, और ये भी हमारा इंडेक्स यूज करती है, पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स दोनों। खैर, इसकी बातें हम लोग आगे भी है जो करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर, ट्यूपल कुछ भी नहीं है, लिस्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें ये ब्रैकेट आपका यूज होने लग गया। बाकी दोनों में अंतर तो है, खैर वो मैं बता रही हूँ अंतर आपको, पहले हम इसको एक बार देखेंगे। तो इसको मैं ट्यूपल बनाने के लिए सिर्फ ये ब्रैकेट्स को मैंने चेंज कर दिए, पैराथिनसिस हमारे बाकी काम वैसे ही करेगा। ठीक है, अगर मैंने माइनस फोर लिखा है तो माइनस फोर जहां पर भी होगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो माइनस फोर बाय द वे कहां था, 1 2 3 4। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है, आपका जो ट्यूपल है ना वो क्या है, एक इम्यूटेबल टाइप का है, और आपकी जो लिस्ट है वो एक म्यूटेबल टाइप की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली बहुत सारे लोग मुझे ऐसा कमेंट करके भी बोलते हैं कि मैम ये ट्यूपल नहीं है, ये टपल है। देखो, टपल हो ट्यूपल हो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसको टपल क्यों नहीं बोलती, तो वो रीजन कुछ ऐसा है कि भाई मैंने जिस टीचर से पढ़ा था तो वो ट्यूपल बोलते थे टपल को, तो वो चीज मेरे अंदर भी बैठ गई है ना। कहते हैं ना कि गुरु के जो झलक होती है वो आपको आपके शिष्य के अंदर भी दिखाई देती है, तो वही चीज है कि मेरे जो टीचर थे वो ट्यूपल बोलते थे,
तो वो मेरे को भी आगे चीज ऐसे ही जो है आपका आ गया कि भाई अब ये कोई मुद्दा मुद्दा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करके पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं कि आप इसको क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। ओके, बाहर निकलो इन सारी चीजों से, ठीक है? क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, गलत बोल रहे हैं, ठीक है, हमारा एक्सेंट ही ऐसे है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो ट्यूपल या टपल जो भी आप कहोगे, तो इसके अंदर क्या है, गोलू गोलू साइन यूज होगा। दैट इज वॉट आपका बोलोगे आप इसको, पैराथिंसिस का यूज हो रहा होता है। बाकी अगर ट्यूपल की बात करते हैं तो ये इम्यूटेबल है, आपकी लिस्ट है वो म्यूटेबल है, ठीक है। ट्यूपल थोड़ा फास्ट है इसी वजह से, क्योंकि इसको बार बार बदलना नहीं पड़ रहा है, और लिस्ट है जो आपकी वो क्या है, म्यूटेबल है, उसको बदलना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं सेट की। सेट क्या है? एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमास, द आइटम आर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। तो कर्ली ब्रैकेट्स का यूज होता है जैसे डिक्शनरी में होता है, बट डिक्शनरी में कीज और वैल्यूज होती हैं, इसमें हम कीज और वैल्यूज की बात नहीं करते हैं। हमारा बिल्कुल लिस्ट की तरह होता है, बट इसके अंदर हम डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं डाल सकते हैं। ओके, सो अगर मैं इसकी बात करूंगी तो मैं इसको क्या करती हूँ, एक सेट क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं एक बार इसको रिमूव करती हूँ, तो आपका बस कर्ली ब्रैकेट है जो बेसिकली आएगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें एक और दो को डालना चाहूँ तो ये मुझे खैर एरर तो नहीं देगा, बट ये डुप्लीकेट एंट्रीज को लेगा भी नहीं। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना सा इंट्रोडक्शन है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सेट टाइप आपका हो गया। ओके, अब आपके पास में आता है जी नन। नन क्या है? एक स्पेशल टाइप का आप डेटा टाइप कह सकते हो, जो कि एक सिंगल वैल्यू है। नन नन मतलब एक तरीके से खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। जैसे किसी ने पेपर नहीं दिया तो उसको जीरो नंबर थोड़ी मिलेंगे, उसको आप नन अवॉर्ड कर रहे होगे, है ना। तो नन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइप विद अ सिंगल वैल्यू। इट इज यूज टू सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ वैल्यू इन अ सिचुएशन। नन सपोर्ट्स नो स्पेशल ऑपरेशन एंड इट इज नीदर सेम एज फॉल्स और जीरो। ये फॉल्स या जीरो के बराबर नहीं है, कहीं आप सोचो, ठीक है। मैंने वही चीज कही कि अगर आपने पेपर नहीं दिया है तो आपको जीरो, जीरो तो एक इंटीजर हो गया ना, तो ये क्या है आपका नन, ठीक है। नन मतलब खाली है, एब्सेंस ऑफ समथिंग, ठीक है। अब बात करते हैं जी मैपिंग के साथ में। मैपिंग क्या किस्सा और कहानी बयान करता है? मैपिंग क्या है? एक अनऑर्डर डेटा टाइप है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज होती है, इसको समझिए। इसमें दो चीजें होती है, एक होती है कीज और दूसरी होती है उसकी वैल्यूज। खैर हम इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। तो कीज और वैल्यूज, आप जब इसको समझोगे ना, तो आप इसको रोल नंबर समझो और इसको नेम समझो, फिर आप देखो कि क्या कमाल की चीजें क्रिएट होती हैं। तो रोल नंबर आपकी क्लास में क्या डुप्लीकेट हो सकते हैं, आप बोलोगे नहीं, है ना, वही है। कीज कभी भी आपकी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है। आपका रोल नंबर क्या साल में चेंज हो जाता है, बीच में कहीं पर भी नहीं होता, तो वही चीज, कीज हमेशा इम्यूटेबल रहती है, ठीक है। वैल्यूज बदल सकती है, ठीक है। तो वैल्यूज यानी कि ये म्यूटेबल भी है, और यहाँ डुप्लीकेट ऑफ कोर्स वैल्यूज आ सकती है, ये इम्यूटेबल भी हो सकती है, खैर आपकी वैल्यूज। तो खत्म होती हुई बात ये है कि डिक्शनरी में दो चीजों का खेल होता है, कीज और वैल्यूज का। कीज हमेशा यूनिक और इम्यूटेबल रहती है, वैल्यूज डुप्लीकेट, यूनिक, आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, म्यूटेबल इम्यूटेबल। कहता है कि डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड्स डेटा आइटम्स इन की वैल्यू पेयर, की वैल्यू के पेयर में होता है। आइटम्स इन आर डिक्शनरी आर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स का यूज होता है। डिक्शनरीज परमिट फास्टर एक्सेस टू डेटा, एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू, जिसका यूज हम करते हैं कॉलन के साथ, इसको मतलब सेपरेट करते हैं, तो ये बीच में क्या होता है, कॉलन यूज होता है। द की वैल्यू पेयर ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द की। तो अगर आपको वैल्यू तक पहुंचना है तो आप की के जरिए है जो पहुंचेंगे। द कीज आर यूजुअली स्ट्रिंग एंड देयर वैल्यूज कैन बी एनी डेटा टाइप, ठीक है। कीज का डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि ये इम्यूटेबल और यूनिक होगा। इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी वैल्यू इन डिक्शनरी वी हैव टू स्पेसिफाई इट्स की इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, कहाँ गया भाई साहब, ये रहा, ठीक है। तो मैंने कहा क्लास, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा नेम, ठीक है, मैंने कहा एज, मैंने कहा 90, एंड मैंने कहा मार्क्स, और मैंने कहा 90 एज ज्यादा नहीं होगी फिर। ओके, सो कुछ भी हमने लिख दिया 30। ओके, सो नाउ लेट सपोज कि आई वॉन्ट टू एक्सेस देयर क्लास, तो मैंने कहा नेम, ठीक है, लाइक हाउ आई हैव टू
ऐसा कुछ नेम मतलब ओपी आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लेट सपोज एज, सो एज इज कमिंग 30 ईयर, ठीक है। सो लाइक हाउ वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई, अगर हमें कुछ भी करना है, मतलब मैं अगर एक्सेस करना चाहती हूँ तो ऐसे कर सकती हूँ, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर कीज और वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है आपके पास में, देखिए एक चैप्टर पूरा भरा हुआ चैप्टर आएगा अगर आपको, हाँ ये लिस्ट का देखिए पूरा चैप्टर है, ठीक है। देन आपके पास देखो ट्यूपल और डिक्शनरीज का है, यहाँ आपके पास स्ट्रिंग का आएगा। तो ये तो चैप्टर पर चैप्टर आपको जो पढ़ने होंगे, यहाँ तो सिर्फ एक हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दे रखा है डेटा टाइप्स के अंदर। बाकी बात करते हो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप की, तो देखिए म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप, म्यूटेबल मतलब जिसको बदल सकते हैं, इम्यूटेबल मतलब जिसको बदल नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए बातें और किस्से और कहानियां कुछ इस तरीके से हैं कि म्यूटेबल यानी कि हमारा जो चेंज हो सकता है, इसके अंदर आता है आपके पास लिस्ट और डिक्शनरी, ठीक है। इम्यूटेबल जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसके अंदर आपके पास में आएगा आपका ट्यूपल हो गया, आपका स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, इंटीजर हो गया, इंटीजर में आपके पास में ये बूलियन है या फिर आप उसकी फ्लोट की बात करोगे तो, ठीक है। तो ये इम्यूटेबल है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। ये अपने आप में ही एक हमारा एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग अगली क्लास के अंदर बेसिकली सीख रहे होंगे, राइट। तो चलते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।